शहर हैदराबाद में फायरिंग का वाकया पेश आया। एबट्स गन फाउंड्री में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सिक्योरिटी गार्ड सरदार खान ने वहां के आउटसोर्सिंग मुलाजिम सुरेंद्र पर अपनी बंदूक से गोली चला दी। फायरिंग में सुरेंद्र जख्मी हो गया, उसे इलाज के लिए खान के अस्पताल में शरीक कर दिया गया। पुलिस मुख्तलिफ जावियों से इस वाकये की तहकीकात कर रही। शुबा जाहिर किया गया है कि आपसी बहस व तकरार के बाद सरदार खान ने बरहमी के आलम में फायरिंग कर दी। फायरिंग करने वाले शख्स को हिरासत में ले लिया गया और उससे पूछताछ की जा रही। जख्मी की हालत मुस्तकम बताई गई है। अराउंड 3:30 टाइम पे एक सरदार खान यहाँ सिक्योरिटी गार्ड है। सिक्योरिटी गार्ड क्या करा, ये थोड़ा बीच में थोड़ा क्या है अपने को नहीं मालूम, अभी इंक्वायरी हो रहा है। सुरेंद्र यहाँ आउटसोर्सिंग एम्प्लॉय है, उसके ऊपर फायर करा बोल के मालूम हुआ, इसलिए आए। इमिडिएटली अपना BC PC इंजर्ड पर्सन को हैदरगुड़ा हॉस्पिटल को शिफ्ट करा। क्या हुआ, क्या मसला है, मोटिव बिहाइंड द इश्यू एंड हाउ मेनी राउंड्स ही हैज फायर्ड रिगार्डिंग गन लाइसेंस एंड वेपन एंड एवरीथिंग वी आर इंक्वायरिंग इनटू। आफ्टर इंक्वायरी विल लेट यू नो। पर्सनल दुश्मनी थी क्या उससे, या पूरा अभी वेरीफाई कर रहा है, वेरीफाई करने के बाद बोल रहे।